हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन की अगली सीरीज में इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर फॉर अनदर पार्ट ऑफ स्पीच बताने जा रहा हूँ। सो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउन को वर्ब में चेंज करके हम नाउन को वर्ब में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही गेव मी एडवाइस। आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, नाउन है। एडवाइस एक नाउन है और इस एडवाइस को हम क्या करेंगे, वर्ब में चेंज कर देंगे। जैसे ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दिया, ये क्या है, ये नाउन है। और ही, इसका मतलब ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया। देखिए ये एडवाइस क्या हो गई, एडवाइस एक नाउन है पर एडवाइज एक वर्ब है और ये चेंज हो गया वर्ब में। नाउन को हमने क्या कर दिया, वर्ब में चेंज कर दिया। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस का रूप बदल गया पर उसका जो सेंस है वो वही है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एक खासियत होती है कि उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। चलिए बात करते हैं अगला, वर्ब को नाउन में बदल करके। जैसे ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम, उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो आएगा। अब प्रॉमिस्ड यह एक वर्ब है, प्रॉमिस्ड एक वर्ब है, इस प्रॉमिस्ड को हमें क्या बनना है, नाउन बनाना है। तो ही मेड अ प्रॉमिज, उसने मुझसे एक वादा किया। प्रॉमिज माने वादा करना भी होता है और प्रॉमिज मीन्स वादा भी होता है। तो हमने क्या कर दिया, ही मेड अ प्रॉमिज दैट ही वुड कम, कि वो आएगा। तो इस तरह से ये आपका चेंज हो गया, वर्ब को हमने किस में चेंज कर दिया, नाउन में चेंज कर दिया। ही प्रॉमिज्ड मी दैट ही वुड कम, यह एक वर्ब था और हमने क्या कर दिया, ही मेड अ प्रॉमिज दैट ही वुड कम, उसने एक प्रॉमिज किया, मेड किया। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉमिज एक नाउन बन गया। चलिए अगला, दिस ब्लेड इज मेड इन इंडिया। अब दिस ब्लेड इज मेड इन इंडिया, तो मेड माने बनी हुई, यानी ये क्या है, ये एक वर्ब है। अब आपको करना क्या है कि इसको जो है हमें नाउन में चेंज करना है। तो दिस ब्लेड इज ऑफ इंडिया मेड, इंडिया मेड क्या हो गया, यानी बना, भारत, भारत का, इंडिया मेक, इंडिया मेक, जो इंडिया मेक ब्लेड है ये, यानी भारत का बना हुआ है। यहाँ क्या है, मेक, यहाँ मेड वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ मेक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से आपका बन गया, ही रिजेक्टेड ऑल बी प्रपोज्ड। प्रपोज्ड मतलब क्या है, वर्ब। प्रपोज मतलब हमने जो कुछ भी प्रपोज किया उस सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। अब इस प्रपोज्ड को हमें क्या बनाना है, हमें प्रपोजल बनाना है, यानी प्रपोजल एक नाउन बन जाएगा। जैसे ही रिजेक्टेड ऑल अवर प्रपोजल्स, इस तरह से ये बन गया क्या, नाउन बन गया। चलिए अब बात करते हैं नाउन को एडजेक्टिव में किस तरह से बनाते हैं। नाउन को एडजेक्टिव में बनाना है तो ही एडमायर्ड हिज गिल्ट, ये क्या है, नाउन है, गिल्ट एक नाउन है। अब इस गिल्ट को हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एडजेक्टिव, ही एडमायर्ड दैट ही वाज गिल्टी। अब गिल्टी क्या हो गया, गिल्टी एक एडजेक्टिव हो गया, अपराधी, गिल्टी अपराधी एक एडजेक्टिव हो गया और गिल्ट जो है नाउन था। चलिए ही पास्ट हिज लाइफ इन पीस, अब ये पीस क्या है, पीस है नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। तो अब इस पीस को हमें क्या करना है, पीस का क्या बनेगा, पीसफुल, यानी शांतिपूर्वक। He passed a peaceful life, ये देखिए इसको बना दिया हमने एडजेक्टिव और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इसका सेंस सेम बना, वही रह गया, इसके सेंस में कोई चेंजेज नहीं आया। बात करते हैं सब्जेक्ट, एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करना, एडजेक्टिव लिखा रहेगा और उस एडजेक्टिव को आपको नाउन में चेंज। जैसे हिज एफर्ट्स वेयर सक्सेसफुल, अब ये सक्सेसफुल क्या है, यह एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को हमें क्या करना है, सक्सेसफुल को सक्सेस कर देना, ही गॉट सक्सेस इन हिज एफर्ट्स, और इस तरह से ये हो गया, सक्सेस बन गया नाउन
और एडजेक्टिव क्या था, सक्सेसफुल था। चलिए, मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग, मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग। तो स्ट्रांग क्या है, स्ट्रांग एक एडजेक्टिव है, मजबूत, स्ट्रांग विशेषता बता रहा है। तो स्ट्रांग को क्या करना है, नाउन में आपको चेंज करना है। तो मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, आप स्ट्रांग को क्या कर दिए, स्ट्रेंथ कर दिए। नाउन को अब एडवर्ब में चेंज करना है, नाउन को एडवर्ब में। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे क्या है, नाउन है, ठीक है, एवरी डे यानी रोज जाता है। तो ही गोज टू स्कूल वीकली यानी हमेशा, वीक पूरे हफ्ते जाता है, वीकली एवरी वीक, देखिए एवरी वीक हर वीक जाता है। तो ही गोज टू दिल्ली वीकली, एवरी वीक मतलब वीकली। तो एवरी वीक क्या है, नाउन है, और एडवर्ब क्या है, वीकली एक एडवर्ब। तो चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट में है एडवर्ब को, अब आपको क्या करना है, एडवर्ब को नाउन में चेंज करना है। डू दिस वर्क केयरफुली, केयरफुली क्या है, यह एक एडवर्ब है। इस केयरफुली को हमें नाउन में कर देना है, नाउन में चेंज कर देना। तो कैसे बनेगा, डू दिस वर्क विथ केयर, केयर के साथ करो, विथ केयर करो। तो ये बन गया आपका नाउन। ही स्पोक टू मी एंग्रली, उसने मुझसे एंग्रली स्पोक किया, क्रोध में, सो क्रोध में एंग्रली मुझसे स्पोक किया। तो ही स्पोक टू मी इन एंगर, एंगर क्या बन गया, एंगर बन गया आपका नाउन, और एंग्रली क्या था, एडवर्ब। इस एडवर्ब को हमने क्या बना दिया, नाउन बना दिया। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। एडजेक्टिव को अब एडवर्ब में चेंज करना है। ही वॉज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक, अटेंटिव क्या है, अटेंटिव एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब में चेंज करना है। तो चलिए, ही वॉज रीडिंग द बुक अटेंटिवली, अटेंटिवली माने बहुत ही सावधानी से उसने बुक को पढ़ा था, पढ़ रहा था। नेक्स्ट है एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करना है। अब एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करना है, यानी एडवर्ब होगा पहले से, लकली ही हेल्प्ड मी, सौभाग्य से, लक से उसने हमारी मदद की। तो इट वॉज लकी, ये लक ही था, ये लकी था चांस दैट ही हेल्प मी, कि वो हमें हमारी मदद किया। ये हो गया आपका क्या, एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना। अब एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज करते हैं। दिस वॉज अ प्लीजेंट न्यूज, ये प्लीजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। इस प्लीजेंट को हमें वर्ब में चेंज कर, दिस न्यूज प्लीज्ड मी, ये न्यूज ने मुझे प्लीज्ड कर दिया, खुश कर दिया। तो यह हो गया क्या, यह हो गया आपका वर्ब। और प्लीजेंट क्या था, एडजेक्टिव था, और प्लीज्ड क्या था, वर्ब हो गया। बात करते हैं वर्ब को एडवर्ब बनाते हैं। द हंटर सक्सीडेड इन किलिंग द टाइगर, सक्सीडेड माने सफल हुआ, और इस सक्सीडेड को हमें क्या बनाना है, एडवर्ब बनाने का। तो द हंटर सक्सेसफुली किल्ड द टाइगर, इस सक्सेसफुली कर दिया, किल्ड द टाइगर, सक्सेसफुली किल्ड द टाइगर, ऐसे बन गया आपको क्या, सक्सीडेड को हमने कर दिया सक्सेसफुली कर दिया। आई फोर्स्ड हिम टू गो आउट, मैंने उसको फोर्स्ड किया, ये एक वर्ब है, फोर्स्ड हिम टू गो आउट, उसे जाने के लिए। तो आई टर्नेड हिम आउट फोर्सिबली, मैंने जबरदस्ती फोर्स पूर्वक उसे बाहर कर दिया। तो ये आपका बन गया एडवर्ब, वर्ब को हमने क्या कर दिया, एडवर्ब बना दिया। फोर्स्ड अभी तक वर्ब था और इस वर्ब को हमने एडवर्ब कर दिया। जैसे अगला, अब एडवर्ब को वर्ब बनाना है। ही विल गो टू स्कूल हरीडली, हरीडली क्या है, एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को हमें वर्ब में चेंज करना है। तो हरीडली वर्ब है और हरी एक वर्ब है। तो ही विल हरी टू स्कूल, वह स्कूल के लिए जल्दी था, जल्दी होगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में या पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करने के लिए हम इस तरह से ये 11 पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं, और एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में हम ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। अगली वीडियो में एक बार फिर से कहूँगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।